नमस्कार, मैं हूँ आपकी एस्ट्रोमा क्रिस तारा कृष्णा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्रोग्राम एस्ट्रोमा। जी हाँ, आप भी करना चाहते हैं मुझसे सीधी बात तो हमें कॉल कर सकते हैं बताए गए हुए टोल फ्री नंबर पे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। जी हाँ, सीधी बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे की दीर्घायु रहे तो क्या करना चाहिए खास उपाय, क्योंकि जन्म के समय से जो उपाय आप करेंगे तो यकीन मानिए आपके बच्चे की दीर्घायु रहेगी और कोई भी उसके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती है। तो बात कर लें राशियों के अनुसार आज का दिन आपका कैसा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं जगदम्बे का नाम लेके कि आज की जो राशि हमारी पहली राशि मेष राशि, उनके लिए आज का दिन ये कहता है कि आज लाभ का कोई सौदा हाथ में आने की खुशी मिलेगी, समय भी मौज मस्ती से भरा रहेगा, धन लाभ के अच्छे अवसर रहेंगे और साथ ही छोटी व्यापारिक यात्रा से आज आपको लाभ मिलेगा। आज क्या करना है, गुड़ खाकर, गुड़ जो है सेवन करके, यानी गुड़ खाकर अगर घर से बाहर निकलते हैं तो यकीन मानिए आज का दिन आपके लिए बेहतर हो जाता है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन ये कहता है आपके लिए परिवर्तन का समय चल रहा है, पद प्रतिष्ठा का भी लाभ मिलने के योग बने हुए हैं, संघर्ष करना पड़ सकता है जिससे सफलता भी आपके कदम चूमेगी। नाग केसर के आपने 8 दाने लेने हैं। भाई सावन का पूरा महीना है, इसमें जितना हो सके भगवान भोलेनाथ को मनाना चाहते तो मना लीजिए, तो 8 केसर के दाने लीजिए और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करकर चढ़ा दीजिए। बात करते हैं मिथुन राशि, आपके लिए आज का दिन ये कहता है आपके लिए समय भी सुधार हो रहा है, छोटी छोटी खुशियां आपके अब धीरे धीरे आपको प्राप्त होंगी और साथ ही कोई जो बिगड़ा हुआ काम है वो आपका बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। किसी सामूहिक समारोह में या पार्टी में भी जा सकते हैं। करना क्या है, गणेश जी का पूजन आराधना करना अति उत्तम हो जाता है, गणेश जी को भी प्रसन्न कर लीजिए। भाई कर्क राशि वालों आपके लिए आज का दिन ये कहता है जो भी काम करें सोच समझ कर करें तो अच्छा रहेगा, आपके शत्रु भी आज आप पर निगाह रखेंगे, अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना है, लापरवाही ना करें और रात को नींद में कमी रहेगी, चिंता भी बढ़ सकती है। करना क्या है भाई, आज जो है भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग लगाने के बाद खुद भी खीर खाना अति उत्तम हो जाता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों, आपके लिए आज का दिन ये कहता है साझेदारी के काम से आज आपको लाभ मिलेगा, अपने जीवन साथी के साथ भी आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, अगर कुंवारे हैं तो आज सगाई आदि की बात भी शुरू हो सकती है, पिंक रंग का इस्तेमाल करना बेहद उत्तम रहेगा। कन्या राशि वालों आपके लिए आज का दिन ये कहता है कि आज का दिन थोड़ा सा आलस भरा हो सकता है और कभी कभी आप बहुत जल्दी जो निराश हो जाते हैं उससे जो है आपको नुकसान होगा, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कर्ज आदि से दूर रहना चाहिए, द्वार पर आपने आज जो है गाय के घी का दीप जलाएं तो बेहतर होगा। बाकी राशियों की चर्चा करेंगे, कॉलर से भी हम जुड़ जाते हैं, हमारे कॉलर हमारे इंतजार कर रहे हैं। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो हेलो, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे पहले कॉलर, उनसे भी संपर्क, सुप्रिया जी से हम बात करते हैं। हेलो हेलो, जय महादेव। जय महादेव जी। मैम मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था, उसका जन्म है 10 अक्टूबर 1998। और समय बताइए। 8 बजे। ये सुबह के? हाँ सुबह के 8 बजे जी। क्या पूछना चाहती है भाई बहन के लिए? ये टेट की तैयारी कर रही है सर, कैरियर वाइज कैसा रहेगा और आगे के लिए क्या करें, अच्छा रहेगा कि अप्लाई करें या कुछ और करें? चलिए बिल्कुल यहाँ पर बता दें, पहले तो इनकी राशि के स्वामी की बात करते हैं, जो इनकी राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध इसके कहाँ बैठे हैं, दूसरे स्थान पर बैठे हैं जो इनके लिए बहुत अच्छा है, इनका खुद के अपने स्थान पर मगर 26 डिग्री होके बैठे हैं। यहाँ पर एक चीज़ है, बुध के उपाय के लिए इनके लिए गणेश जी की पूजा आराधना के साथ साथ यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा आराधना भी इनके लिए अच्छी है। अभी राहु की माँ दशा है, कुछ ऐसे ही है कि बनते बनते काम में थोड़ी सी अड़चन आएगी, तो इसको गोमेद रत्न पहनने के लिए मैं बोलूँगी पहन ले तो अच्छा रहेगा।
और राहु की बात करते हैं तो यहाँ पर सप्तम भाव पे राहु बैठे हैं, दृष्टि कहाँ दशम भाव पे हैं। तो यहाँ पर एक तो राहु और गुरु के प्रभाव को बढ़ाना है और अपने राशि के स्वामी के लिए गणेश जी की पूजा आराधना करिए। गुरु के लिए क्या करना है, गाय को आपने इनको बोलिए रोटी जरूर खिलाया करें हल्दी लगाकर, बस और कुछ नहीं, हल्दी लगा के जो है रोटी खिलाना अति उत्तम रहे तो इनके लिए बेहतर हो जाता है, इनकी जॉब वगैरह में आने वाली अड़चन दूर हो जाएगी। जय महादेव। चतुर्भुज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जन्म तिथि बताइए उसकी। जी 24/1/93 12 अक्टूबर 7:33 24/1/93 बच्चे का नाम है नवीन कुमार के। क्या पूछा जाते हैं जी, इसका ये पूछना चाहता हूँ कि इसका पढ़ाई का क्या रहेगा और आगे भविष्य में क्या इसको पड़ेगा, इसके लिए तो उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है बच्चा। चलिए, आपने बेटे के लिए जो पूछा है इसके लिए यहाँ मैं बता दूँ, इसकी पढ़ाई लिखाई में अभी कोई इतना बेहद अच्छा नहीं कह सकते कि पढ़ाई लिखाई में इसका कोई अच्छा जो है स्कोप रहा हो, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य इसकी कुंडली में कमजोर डिग्री होके बैठा है, जो हमारे पंचम भाव के स्वामी है उनको यहाँ देखते हैं। साथ ही जो है अगर हम बात करते हैं कि भाग्य स्थान पर कौन सा ग्रह इसको जो है सपोर्ट कर सकता है तो गुरु कर सकता है, गुरु के लिए यहाँ पर गुरु का उपाय इनके लिए बेहतर हो जाता है। और साथ ही यहाँ पर एक चीज और है कि आगे करियर में भी आगे और भी ज्यादा अगर तरक्की करना चाहते हैं तो इनके हाथों से काले कुत्ते को एक तो रोटी खिलाना बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि काले कुत्ते को जो रोटी खिलाई जाएगी वो कहीं ना कहीं इनके जॉब वगैरह के लिए कारक ग्रह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मगर गुरु की जो हाथ तक बात की है, सूर्य की बात की है, सूर्य देव की पूजा आराधना करा करें और साथ ही जैसे कि मैंने बताया है गुरु को थोड़ा सा प्रबल बनाना है तो गुरु के लिए पीपल वृक्ष पे हल्दी वाला जल चढ़ाया करें, ये चीजें कर लिए इनके जॉब में इनके काम काज में अड़चन दूर हो जाएगी। मगर सूर्य देव की पूजा आराधना के साथ साथ इनके मस्तक के बीचों बीच केसर जरूर लगाया करें, क्योंकि पढ़ाई में जितना हम चाहते हैं उतना है नहीं और भी ज्यादा तरक्की कर सकता है, बस गुरु और सूर्य हमारा अच्छा होना चाहिए। जय महादेव। अनीता हमारे से जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो। हेलो। जय महादेव। जय महादेव मैडम जी। मैडम मेरा जन्म 7/11/1972 है जी, और समय बताइए। सुबह के 5:20 मैडम जी। क्या पूछा चाहती हैं मैडम, मेरा कहीं पे भी कोई काम नहीं होता मैडम, और मैं इतनी नौकरियों पे अप्लाई कर चुकी हूँ, सरकारी से और प्राइवेट से, कहीं काम नहीं बन रहा, तो मैडम मेरे है गवर्नमेंट जॉब का योग। चलिए मैं बिल्कुल बता देती हूँ, यहाँ भाग्य स्थान पे तो जो है आपकी जो है तुला राशि संचार कर रही है और जिसमें जो है लगन जो आपका तुला है उसमें जो है सूर्य और मंगल दोनों बैठे हैं, कुल मिला के कह सकते हैं 80% चांसेस है, मगर जो है फिर भी जो है यहाँ आपके लिए प्रबल जो सबसे अच्छा चांसेस है वो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट जॉब का है। अगर हम बात करें कि आपके राशि के स्वामी की, यहाँ पर शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं आप, शनि के नाम का दान पुण्य करने के साथ साथ आपके लिए एक उपाय और है कि आप मंगल को थोड़ा सा प्रभावशाली बनाइए, क्योंकि जो लगन में जो बैठे हुए हैं यानी कि तुला राशि है बैठी हुई है वो नीचस्थ है, यानी शुक्र है नीचस्थ है, वो हमारे सारी चीजों को जो है चाहे वो धन से आर्थिक समस्या भी आपके साथ बनी रहती है, सारी सुख सुविधाओं से जो है मैं वंचित रखती है, इसलिए शुक्र की चीजों को करना है दान और जरकन वगैरह जैसी चीजें हैं वो आप ना पहना करें और ना ही परफ्यूम वगैरह लगाया करें, ये कर लीजिए। बस मंगल को थोड़ा सा प्रभावशाली बनाइए और अपने राशि के स्वामी को थोड़ा सा प्रभावशाली बनाने के साथ साथ आप ये देखेंगे आपकी जॉब में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। और अभी सावन का महीना चल रहा है, आप भी जो है काल सब दोष की पूजा आराधना कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। जय महादेव। गौरव हमारे से जुड़े हुए हैं, स्वागत कर सौरभ जी, स्वागत है। जय महादेव। जय महादेव। मैं मैडम मेरे पापा के बारे में पूछना चाहता हूँ। जन्म तिथि बताएं उनकी। 30/5 जी 69 और समय बताइए। समय मालूम नहीं मैडम जी। क्या पूछा जाते हैं। उनके पास पैसा भी नहीं रहता और वो चिड़चिड़ बहुत करते हैं। चलिए यहाँ इनका मूल अंक नंबर बनता है 3, मगर आपने बात की है कि इनके पास पैसा नहीं बनता है, जो हमने प्रश्न कुंडली निकाली है उसके आधार पर बताना चाहेंगे कि धन की जो समस्या है उसका कारण क्या है। अभी दशाओं की अगर हम बात करते हैं तो दशा इस समय जो इनकी केतु की चल रही है, मेहनत करते हैं मगर इनको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, ऐसी बात नहीं है, जब किसी इंसान को कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है बहुत मेहनत करने के बावजूद, ये नहीं कि वो अपने संतान और अपने परिवार के लिए नहीं सोचते, बहुत सोचते हैं मगर स्ट्रगल कर रहे हैं सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही, तो ऐसे में यहाँ पर इनको एक चीज है कि अगर कर सके तो अच्छा रहेगा। एक तो जो है जब भी कुत्ते को रोटी खिलाते तो आटे में अपनी मम्मी को बोलिएगा उसमें जो है शहद डाल दे, शहद और काला तिल और सफेद तिल,
ये डालने के बाद एक रोटी बनाने के बाद कुत्ते को दिया करें और कौए को इनके हाथ से दिलवाया करें। नियम बना लें कि पक्षियों को सत नजर डालना है। इनके कामकाज में बहुत सारी अड़चन आ रही है जिसकी वजह से ये चिड़चिड़े हो गए हैं। यहाँ पे तीसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं, गुरु और केतु दोनों बैठे हुए हैं, मगर जो है कोई प्रभावशाली नहीं हो पा रहे हैं, इनको मेहनत सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। बात करते हैं कि इनको कौन से यानी देवता की पूजा आराधना करनी है। इनको जो है ज्यादातर जितना हो सके शिव जी की पूजा आराधना करें तो बेहतर होगा। जय महादेव। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है? कहता यह है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, सफलता आपके जो है कदम चूमेगी। आज आपको अपने निजी हित के कामों को पहले करना होगा, कहीं कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। मिश्री और सौंफ बांटें और खाएं, जाके मंदिर में जाके रखाइए, जो भी आएगा पंडित जी अपने आप देते रहेंगे, खुद भी खाइए, घर में जो भी आए उसको भी खिलाइए। चलिए वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए आज का दिन ये कहता है, आज मिले जुले फल का दिन है। हालांकि दिन की जो शुभता है बहुत है, फिर भी कुछ तो ऐसा है जो बनते कामों को बिगाड़ सकता है, थोड़ा सा यहाँ सावधानी रखना है। आज आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, रुद्रास की माला पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा और माला अपने पास रख लीजिएगा, बेहतर रहेगा। धनु राशि वालों, आपके लिए आज का दिन ये कहता है कि आपके लिए शुभ और धनदायक है आज का दिन, और आज के दिन आपको आय के नए रास्ते दिखाई दे रहे हैं, वो बनेंगे, विचार और मंथन भी उस पर करना चाहिए तो बेहतर रहेगा। घर में भी आज मेहमानों की काफी चहल पहल बनी रहेगी, आलस ना करें, ये उपाय है। और साथ ही आपके लिए एक चीज और उपाय ये है कि आज जो है सरसों का तेल जो है अपने ऊपर से उतार कर दान कर दीजिएगा। मकर राशि वालों, आपके लिए आज का दिन ये कहता है कि आज अच्छे स्वादिष्ट भोजन और वस्त्र का भी लाभ आपको मिलेगा, कहीं दूर की यात्रा पे भी आज आप जा सकते हैं, परिवार में शुभ मांगलिक कार्य भी आपके हो सकते हैं, किसी कन्या को मीठा खिलाना है बेहतर होगा, गरीब की कन्या हो तो बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन ये कहता है कि आज अच्छा और स्पष्ट काम ही आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। आय कम होने से चिंता हो सकती है, कोई आपके ऊपर आरोप लगाए ऐसा कोई काम ना करे तो अच्छा रहेगा। 108 लौंग की माला बनाइए और फिर उसके बाद हनुमान जी को चढ़ा दीजिए, जिनके ऊपर शनि के साढ़े साथी का प्रभाव भी चल रहा है या शनि के प्रकोप से भी या दशा चल रही है, उससे आपको यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। चलिए मीन राशि वालों, आपके लिए आज का दिन ये कह रहा है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, लाभ प्रदान कराने में सहायक रहेगा, व्यापार के मामलों में आपको आज अच्छी सफलता मिलेगी, नए काम के लिए शुभ समय आपका चल रहा है, फलों का भोग लगाना अति उत्तम हो जाता है। किसको लगाना है? हनुमान जी को लगाइए और शिव जी पर जाकर 5 फल अलग अलग तरीके के चढ़ा दीजिए, क्योंकि फल की प्राप्ति चाहते हैं तो फल जरूर चढ़ाइए। चलिए हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी स्वागत है आपका। राधे राधे। जय महादेव। 24 नवंबर 1981। और समय बताइए। सुबह 5:30 बजे। जी क्या पूछना चाहते हैं? मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी और शादी को 3 साल हो गए, बच्चे वगैरह कुछ? मनीष जी हमने अब तक यही देखा है, पहले जॉब पकड़ते बाद में शादी, मगर यहाँ तो आपने शादी आपकी पहली हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए आपने गवर्नमेंट जॉब की बात की है तो गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि नहीं, प्राइवेट जॉब दिख रही है मुझे, और साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के जो चांसेस है वो 70% है। और जैसे कि आपने बात की है शादी के बहुत समय हो गया है, फिर भी जो है संतान के लिए एक चीज है आपकी कुंडली में जो मुझे दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो कुल के देवता हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई कृपा हमारी जब रुक जाती है, मंगल और राहु का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। एक तो जो है पूर्ण रूप से आपके कुंडली में कालसर्प दोष है, जिसकी वजह से पूजा आराधना करवा लीजिए। कालसर्प दोष खराब नहीं होता, मगर पूजा करा लेते ना तो वो बेनिफिट देना चालू कर देता है, एक रास्ता खुल जाता, दरवाजा खुल जाता, वो आप करवा लीजिए। सावन के महीने में करवाते हैं तो बेहद उत्तम रहेगा, शंकर भगवान की पूजा आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब वगैरह प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है। शकुंतला जी हमारे से जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ जी। जय महादेव। नमस्कार। जय महादेव। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटे की जन्म तिथि, जन्म समय? 1987। तारीख बताइए। 26 फरवरी रात 3:45 बजे। जी क्या पूछना चाहती हैं? मैडम उसका रिश्ता नहीं हो रहा, कहीं शादी नहीं हो रही है, कहीं आपने बताया है 26 फरवरी 1983 83 नहीं नहीं जी 26 फरवरी 1987 87। हाँ। जी चलिए अभी बताते हैं कि भाई शादी विवाह में अड़चन किस बात की है, तो यहाँ पर एक चीज बता दूं, इनकी कुंडली के अनुसार यहाँ पर जो देख रही हूँ कि विवाह में जो अड़चन डाल रहे हैं उसका कारण क्या है। विवाह में यहाँ पर कहते नहीं है, ग्रहों के जब सारे बद्दे आ जाते हैं तो उसमें जो है कहीं ना कहीं योग बंध जाता है,
विवाह हो सकता है ऐसी बात नहीं है। राहु की अभी महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा की अगर हम बात करते हैं तो अंतरदशा इनकी जो है मंगल की चल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर इनके जो ऊपर से एक तो जो है मूली वगैरह ये सारी चीजें जो है शिवलिंग पे चढ़ाना अति उत्तम रहेगा। बात करते हैं इनके राशि के स्वामी की, जो शनि के प्रभाव के मकर राशि के हैं, तो यहाँ पर शनि की पूजा आराधना के साथ साथ शनि के नाम का दान पुण्य करना अच्छा रहेगा। विवाह में थोड़ा विलम्ब है मगर विवाह होगा इसी साल, कोई ना कोई रिश्ता इनको मिल सकता है जो इनके लिए अच्छा रहेगा। बाकी विवाह में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बस योग जो बंधे हुए वो खुल जाएंगे। शंकर भगवान पर जो है अगर हो सके इनको बोलिएगा शंकर भगवान की पूजा आराधना तो करते ही करते हैं, और विष्णु भगवान को हल्दी चढ़ाया करें और गुड़ लड्डू ये इनके लिए बेहतर होगा। ये कर लीजिए, हमारी शुभकामना आपके साथ। जय माता दी। निशा हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत करते हैं। हेलो। हाँ हेलो, जय माता दी। जय माता दी, जय महादेव। जय महादेव जी। जी मैं कह रही थी कि अपने मकान के लिए मैं पूछना चाहती थी कि मेरा मकान कब तक बनेगा। जब सबसे पहले आप जन्म तिथि जन्म समय बता दीजिए। जी मेरा जन्म है 1981, 28 अगस्त 1981। और समय बताइए। समय मेरा शाम को है 4 बजे, 4 और 5 के बीच में। जी बताइए आप मकान के लिए पूछ रही हैं। जी मेरा मकान नहीं है, कब तक होगा, बहुत परेशान है। मकान था हमारा, हमने बनवा कर थोड़ा सेल कर दिया, इसलिए कि मेरे को परेशानी आ गई थी पैसों की। आप अभी आपको एक चीज बताते हैं कि आप अभी फिर अगर मकान लेंगे तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी जो है मकान आपको ऐसे ही करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र नीचर और मंगल नीचर, जब हमारा भौमा यानी कि भौमाए का नाम लेते हैं, मंगल की बात करते हैं, जब वो नीचस्त होगा तो भूमि भी हमारे हाथों से चली जाती है। कारण क्या है, मंगल अशुभ है, शुक्र अशुभ है जो हमें पैसा देता है। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि शुक्र और मंगल की चीजों को आपने जो है शुभ बनाना है। करना क्या है, शुक्र की चीजों का दान करना, आलू दान करना है हल्दी में जो है आपने लपेटने के बाद, साथ ही मंगल की चीजों का मसूर की दाल जो है आपने हर मंगलवार के दिन शंकर किसी भी मंदिर में जाइए शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, हनुमान जी के चरणों में चढ़ाते हैं तो भी अच्छा। मंगलवार के दिन आपने मसूर की दाल शंकर भगवान और हनुमान जी को चढ़ाइए, क्योंकि आपके भाग्य में यहाँ पर जो है जब भी आप मकान लेंगे, जब भी कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो बेचनी ही पड़ सकती है। तो ऐसा करिए, अपने संतान के नाम से लेंगे तो बेहतर रहेगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। ये करके देखिए, हम शुभकामना आपके साथ। जय माता दी भाई। आज का टॉपिक क्या कहता है कि आपके घर में संतान जब उत्पन्न होती है तो क्या करना चाहिए, उसकी दीर्घायु रहे, कोई भी उसको नजर ना लगे, तो करना क्या है, बालक को उसके जन्म के नाम से ना पुकारे, जो पत्री में नाम आता है उसके नाम का अक्षर इस्तेमाल ना करें, उसके जन्म के नाम को इस्तेमाल ना करें। 5 वर्ष तक बालक को, जब भी ऐसा होता है कि किसी किसी के घर में बच्चे संतान होती है जल्दी जो है कुछ ना कुछ हो जाता है, तो ऐसे में 5 साल तक किसी से भी कपड़े जो है आप उससे मंगवा लिया करें, उसी के मांग के जो है बच्चे को पहनाएंगे तो अच्छा रहेगा। 3 या 5 वर्ष तक जो है उनके सिर के बाल भी नहीं कटाना चाहिए। उसके जन्मदिन पर बालकों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको दूध जो है बांटना, दूध पिलाना अच्छा रहता है। बच्चों को किसी की गोद में दे दें और ये कहकर प्रचार करें कि ये बच्चा हमने उसको दे दिया है, कुछ धन राशि उससे ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे की दीर्घायु रहेगी, कभी भी किसी की नजर में, किसी की हाय में नहीं आएगा। आज का टिप्स क्या कहता है, घर या दुकान के दरवाजे पे सफेद सरसों रखने से दुकान की बिक्री होती है। आपने सुबह रख दीजिए और शाम को आपने छोड़ने के बाद दूसरे दिन आके सफाई कर दीजिएगा। तो ये था आज का उपाय और आज का टिप्स। कल एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मैं ज्योति सरदार तारा कृष्ण शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। आपका दिन रहे मंगलकारी, मुझे दीजिए इजाजत। जय जय भवानी।